तो इस गाड़ी में मैं और शिवम ही जाने वाले हैं सिर्फ, बाकी पूरी गाड़ी पीछे देख सकते हो पूरा सामान भर रखा है। सो गाइस एक कमाल की चीज दिखाऊं, ये देखो मेरी गोद में यहाँ पे तुम देख सकते हो राधा माधव जी है इस वाली बास्केट के अंदर। A few moments later. So guys, अब तो मतलब थोड़ी थोड़ी सुबह सवेरा भी होना शुरू हो चुका है और टाइम तुम यहाँ पे देख लो अभी। और भाई सुबह की अलग ही वाइब है, उठो ना अगर सुबह जल्दी तुम मतलब फील ही नहीं कर सकते पूरी जिंदगी में जो तुम सुबह उठ के कर सकते हो। गाइस यहाँ पे 6 बज चुके हैं सुबह के और हम जहाँ पे हमको जाना सीधा उसी लोकेशन पे जा रहे हैं। A few moments later. So भाई पहुंचने वाले हैं, बहुत देर से घूम रहे हैं भाई, बहुत दूर है यहाँ से, वो हमने जितना सोचा था उससे भी दूर ही है। गाइस देखो कैसे दिन आ गया, होटल का दरवाजा खुद ही खोलना पड़ रहा है, कोई है ही नहीं, अंदर से कुंडी लगी हुई है भाई। लोकेशन एकदम ओपी आई है, गाड़ी तो बंद कर देता हूँ, ऑन पड़ी है। इधर तो स्विमिंग पूल देखना, जल्दी आ इधर मेरे पास, ये देख सकते हो स्विमिंग पूल दिखा दूँ, देखो हो रहा। गाइस स्विमिंग पूल मिल गया, वो देखो ग्रीन कलर के कपड़े के नीचे। सो गाइस चलो अब आपको अपना रूम टूर करवाते हैं। तो भाई हमारे प्रभु जी आ गए, हरे कृष्णा प्रभु जी, बाथरूम भी नोटिस करा इसमें। सो गाइस ये अपना कमरे का फर्स्ट लुक खोलते देखो, ये आता है एकदम सामने बेड लगा हुआ गाइस, और ऊपर एसी लगा रखा है ठंडक के लिए, लेकिन यह जरूरत नहीं एसी की पर फिर भी लगा रखा है, और फैन भी है सामने, एक एलसीडी लगी है यहाँ पे, नीचे वाईफाई है, इसका पासवर्ड अभी हम देख लेंगे, टेंशन मत लो, अभी हैक करेंगे इसको। और गाइस इस साइड देख सकते हो कबर्ड है एक, इसको खोल लेते हैं गाइस, देखो यहाँ से अलग ही सीन आएगा सामने, ये देखो पूरा बाहर दिखता है गाइस यहाँ से, और बाहर का नज़ारा ही अलग है भाई साहब, और ये वाली खोल दी पहले इन्होंने। और इधर अपना बाथरूम है गाइस, बाथरूम एक नंबर है, अंदर से तुम्हारे को दिखा देता हूँ, रुको। सो गाइस बाथरूम तुम देख सकते हो, यहाँ पे सिंक लगा हुआ है, यहाँ पे इसके मतलब का सामान लगा है। सो गाइस अपना रूम एक नंबर है भाई, आज मैं साहिल और शिवम इसी वाले कमरे में सोने वाले हैं, मस्त एकदम बढ़िया। और यहाँ से बाहर आते भाई व्यू एक नंबर लगता है यार, व्यू का कुछ बंद कर दो, मच्छर होते हैं। ओ व्यू दिख जा, ये देखो भाई व्यू, बहुत बढ़िया जगह है। हमारे रूम से सामने देख सकते हैं कमरा ए मतलब स्विमिंग पूल है, यहीं से डायरेक्ट जंप भी दे सकते हैं हम, तो अब चलते चलो ऊपर चलते हैं सबके पास। सो गाइस चलो अब सबसे पहले मैं धोती पहन लेता हूँ। सो गाइस फाइनली धोती पहन ली देख सकते हो, तो चलो अब ऊपर चलते हैं क्योंकि हमको वहाँ ऊपर अब पूजा के लिए जाना है, और ये रही मेरे कृष्णा जी की ड्रेस, तो इनको उनको रेडी भी करना है, तो लेट्स गो। एक तो यार लड़कियाँ बहुत टाइम लगाते हैं रेडी होने में, तेरे को थोड़ी कह रहा हूँ यार, तू तो गोपी है। कपड़े साइड करती So guys, यहाँ पे सनी प्रभु मेरे राधा गोपेश्वर जी को रेडी करते हुए, और यहाँ पे झूला रेडी कर रहे हैं गाइस। और गाइस यहाँ देख सकते हो जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी हमारे। सो गाइस सनी प्रभु ने फाइनली मेरे राधा गोपेश्वर जी का श्रृंगार कर दिया, देखते चलो इन्होंने कैसा श्रृंगार करा है। लव मत हरी वो भाई कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस, कमेंट में बता देना ये श्रृंगार करना कहाँ से सीखा आपने, मैंने सिखाया था ना आपको। गाइस ये थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं भाई, इन्होंने झूला कितना मस्त सजाया देख लो। सो गाइस अंदर सारे काम कर रहे हैं अपना अपना, हम भी कर रहे थे, व्लॉग बना रहे हैं। क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, वीडियो कॉल चल रही है भाई। सो गाइस अभी भोग लग चुका है, तो जितना ही भोग है सारा इसको बाकी सारे प्रसाद में मिक्स कर देंगे, तो सारा जितना भी बना रखा है वो प्रसाद बन जाएगा, तो प्रसाद पाएंगे क्योंकि सुबह से भूखे गाइस 5 बजे के आ रखे हैं। सो गाइस जब प्रसाद पाने की बारी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा मतलब अब तो भूख लग रही है, बहुत बढ़ चुकी है, तो मज़ा आएगा प्रसाद पाने का भी, भूख लग रही है। शिवम भाई हरीबो, और सामने व्यू को देखते देखते भाई प्रसाद पाने का लगी मजा, टीवी आ गया हमारे, और सामने देखो गधे चल रहे हैं। बोलिए हरी बोल, तेरे को तो पराठा सब दे दिया। हरी बोल भाई साहब, हरी बोल क्या चीज़ है,
थोड़ा सा ज्यादा घोड़े पूरा लग रहा है ये जुड़ रखे हैं आपस में ये देखो पर हाँ भाई स्वादिष्ट है इस वक्त तो हम कुछ भी खा सकते हैं कैसा लग रहा है फिर हमारी माताओं के हाथ में जादू देखो मैंगो शेक काश तुम यहाँ होते सो गाइस प्रसादम हो गया अब कुटिया में चलते हैं कुटिया मतलब कमरा जो गाइस तुम्हारे को दिखाते हो इसके अंदर क्या है अलमारी में इसमें कंबल रखे हैं ये तो हम यूज़ करेंगे नहीं बाकी नीचे इसमें हीटर पड़ेगा इस हीटर हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंडा है तो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं गाइस और शाम को शायद हम स्विमिंग पूल में भी नहाएं शायद कल आज नहीं नहाएंगे आज नहीं नहाएंगे शायद कल नहाएंगे बाकी कीर्तन करने भी जाना है अभी हमको यहाँ पे स्ट्रीट्स में लोगों की हवा तो आ नहीं रही इससे अब आ रही है इसको कम कर 24 पे करा भाई तो 24 पे हो रखा है ठंडी हवा नहीं आ रही हरे कृष्णा हरे राम गोविंद हरि गोपाल जाले सो गाइस कीर्तन हुआ समाप्त अब वापिस जाएंगे हम होटल सो चलो सो गाइज यहाँ पे 6:15 हो चुके हैं सो मतलब अभी तक मैं थोड़ी देर पहले सो रखा था और अभी उठ चुका हूँ अभी आरती होगी थोड़ी देर बाद और आज सभी मतलब भूखे बैठे हैं लेकिन मेरे को भूख बर्दाश्त नहीं है और इसको भी भूख बर्दाश्त नहीं है तो हम यहाँ पे प्रसाद पा रहे देख सकते हैं पकौड़े और चटनी किसी को बताना मत तो चलो जल्दी जल्दी प्रसाद पाते हैं उसके बाद हम भी चलेंगे ऊपर आरती करने के लिए तो लो भाई अपने कमरे में एंट्री करते हैं भाई साहब हमारा आलीशान कमरा भाई पौने दो हो रहे हैं टाइम तो देख लो नहीं यार पूरा सही में देख लो मेरे को तो खुद ही नहीं पता भाई यहाँ ही थे ऊपर 2 बजने वाले गाइस और हमारा कमरा आलीशान देख सकते तुम ये देखो क्या स्मेल नहीं है वो दीदी को पता नहीं इस कमरे में स्मेल क्यों आती है अरे आप बीमार हो ना वो आपके नाक में स्मेल है भाई तुम अब अपना कमरा देख लो कैसा ठीक है यहाँ चेयर रखी दो यहाँ बैठ के चाय पी सकते हैं लेकिन चाय तो पीते नहीं है ना चाय तो यहाँ से सुबह तुम सीन देख सकते हो उठ के अभी तो अपना ही सीन दिख रहा है यहाँ पे सुबह चलो अभी यहाँ पे सोते हैं हम क्योंकि सुबह 5 बजे हमने उठना है यहाँ पे और सुबह 5 बजे की हम आ रखे हैं यहाँ पे गाइज मतलब क्या ही बताया हमारे को नींद भी नहीं हुई नसीब अभी तक ढंग से तो आज तो नींद हम चैन की लेने वाले हैं तो चलो अभी जल्दी सोते हैं पहले उसके बाद मैं आपको कल के व्लॉग में मिलूंगा तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ आप देख रहे हो लाइव दिवांश और चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो भक्के